The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आप ही का चैनल है, इस चैनल पे किसी एक डॉक्टर का ओपिनियन नहीं दिया जाता क्योंकि डॉक्टर्स के ओपिनियन बदलते रहते हैं और बदल सकते हैं। यहाँ पर हम रेफरेंस्ड इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, दुनिया भर के रिसर्च के बाद जो कंसाइस नॉलेज बनता है वो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी में आपके लिए रेफरेंस किया जाता है, गाइडलाइन बनाई जाती है, उस चीज़ से निकाल के हम आपको नॉलेज देते हैं। ऐसे ही हम हर्ब्स और सप्लीमेंट्स ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ों के ऊपर आपको वीडियोज़ बना के दे रहे हैं कि उनके नोन रिसर्च्ड बेनिफिट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए। बिकॉज कई बार सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें सुन के हम इस्तेमाल करने लगते हैं, साइड इफेक्ट्स कोई नहीं बताता। सो अच्छी बुरी जो भी रिसर्च्ड बातें हैं वो सारी साइंटिफिक फैक्ट्स हम आपको आज बताएंगे एलोवेरा का। जी हाँ, दुनिया भर में इसके गुणगान चलते हैं, एलोवेरा बहुत अच्छा है और कैक्टस के जैसा एक प्लांट होता है और उस वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में बनता है और भैया लोग उसे इतना इस्तेमाल करते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं हर एक चीज़ में, हर एक उसमें, कभी ड्रिंक में पी लिया, कभी जूस बना लिया, कभी मुंह पे लगा लिया, बाल पे लगा लिया। सो एलोवेरा को स्किन कंडीशंस इम्प्रूव करने के लिए, वुंड हीलिंग इम्प्रूव करने के लिए, उसके एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यस, इट इज़ अ वंडर, इट इज़ अ सुपर फूड कह लीजिए और हर्ब कह लीजिए, खाते भी हैं लोग उसे। सो इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, एक्चुअली किस किस बीमारी में बेनिफिट देखा गया है बाय रिसर्च और किस किस चीज़ में साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट इफ़ दे आर, सो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। ओके, सो ये भैया आपको एलोवेरा जो है टेक्निकली टॉपिकली यानी कि स्किन के ऊपर लगाने से इस्तेमाल किया जाता है या फिर ओरली आप इसे खा सकते हैं, ले सकते हैं। एक्ने या लाइकन प्लैनिस यानी कि खुजली वाले जो रैश होते हैं स्किन के ऊपर, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंह अगर आपका खाइनी खा के बहुत हार्ड हो गया, ओरल सब मुकस फाइब्रोस टिश्यू हो गया है, तब भी इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग हो रही है मुंह के अंदर, बर्न्स एक्चुअली जल गया है, उसके ऊपर लगा सकते हैं, छालों पे लगा सकते हैं, रेडिएशन इंड्यूस स्किन टॉक्सिसिटी सन बर्न्स पे लगा सकते हैं। और अगर आप इसे मुंह से खाते हैं, आप इसका जूस लेते हैं, इसे खाते हैं, इसका प्रिपरेशंस बनाते हैं, तो ये आप डायबिटीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं, वेट लॉस में इस्तेमाल करते हैं, लिवर की बीमारी में, हेपेटाइटिस में, इंटेस्टाइनल बीमारियों में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेज में इस्तेमाल करते हैं, गट के इन्फ्लामेशन, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोला, पेट में छाले हो गए, इन सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो भैया एक लिमिटेड वाली बात होगी, नहीं इसके यूज तो इतने हैं कि बताना मुश्किल। तो अब इसके अंदर रिसर्च भी बहुत हुई है, नंबर ऑफ स्टडीज हो चुकी है जो इन्वेस्टिगेट कर रही कि भैया ये कितना यूजफुल है, यूजफुलनेस है एज अ डाइटरी सप्लीमेंट, एज अ टॉपिकल प्रोडक्ट और नॉट। सो उस सब से हमने क्या सीखा, क्या पॉइंट्स हमने सीखे, क्लिनिकल रिसर्च साइंस ऐसा मानती है कि इसे एलोवेरा बेस जेल या एलोवेरा को अगर आप टॉपिकली लगाते हैं तो इट मे इम्प्रूव एक्ने का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप खासकर अगर इसको आप मेडिकेट सोप या ट्रेटिनोइन जेल या कोई मेडिकल सोप, यानी कि वो कभी कई बार एक्ने कैसे बनता है, उसमें ब्लॉकेज होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, तब बनता है। सो एलोवेरा बाई फार विल एंटीऑक्सीडेंट एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट, एज अन एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो इट कैन इम्प्रूव एक्ने। वैसे ही एक्ने का साइकिल 7 डेज का होता है और इट मे इम्प्रूव इट राइट फर्दर। बाकी आप अगर इसे बर्न में लगाएं तो हीलिंग बेटर होगी, वहां पर बहुत जरूरी है, पेन्स कम हो सकते हैं, दर्द कम हो सकता है, हर्पीज है, हर्पीज सिंप्लेक्स लाइकन प्लैनिक्स, सोरियासिस वाले पेशेंट्स जिनकी स्किन पूरी ड्राई एंड फ्लेकी हो गई है उनमें ये बहुत हेल्प कर सकता है, तो यूज कर सकते हैं इसको। और अगर आप इसके ट्रायल्स देखें ओरल डोसेज में तो यस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS वाले पेशेंट्स में आप इसमें बेनिफिट देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर 3 ट्रायल हुए थे, 3 में से केवल एक ही ट्रायल में बेनिफिट दिखा,
IBS में दो ट्रायल में बेनिफिट नहीं दिखा। तो कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि ये केवल एक प्लासीबो इफेक्ट दे रहा हो, प्लासीबो से बेटर कोई इफेक्ट नहीं दे रहा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज नॉट इन्फ्लामेशन, इट्स जस्ट ओवर सेंसिटिव बाउल। सो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज ऑन दी अदर हैंड विल डेफिनेटली हैव सम रिजल्ट्स। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जब एक स्टडी हुई थी, छोटी स्टडी थी लेकिन एटलीस्ट स्टडी हुई, सो जितने लोगों को दिया था एलोवेरा प्लस उनको ट्रीटमेंट दिया था, तो उसमें मान लीजिए कुछ बेटर रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे से एलोवेरा वाले लोगों को मिला, राइट? आधे लोगों को एलोवेरा के साथ रिस्पॉन्स अच्छा मिला, और आधे से फिर और थोड़े कम लोगों को बिना एलोवेरा के रिस्पॉन्स मिला। सो व्हाट आई मीन इज एलोवेरा कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिन इन प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज। एलोवेरा की स्टडी डायबिटीज या डायबिटिक फुट अल्सर, डेंटल प्लाक्स, दांतों में प्रॉब्लम के साथ भी किया गया, मगर ये कितना काम करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई खास एविडेंस नहीं है, मीनिंग कि कुछ खास फायदा इसमें नहीं देखा गया। मिक्स्ड एनिमल रिजल्ट्स देखने को मिले जिसमें इफेक्टिवनेस आपको नहीं मिली कोई खास। टॉपिकली अगर आप इसे लगाते हैं तो विथ इज़ वेरी वेल जनरली टॉलरेटेड, कोई खास कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, मे बी बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन, बर्निंग, इचिंग, एक्जिमा। ओरल टॉपिकल यूज में, ओरल यूज में कुछ केसेस में एलोवेरा का जो लेटेक्स आते हैं उस केस में आपको पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। एलोवेरा के लीफ एक्सट्रैक्ट्स को आप लेते हैं तो उस केस में आप कुछ केसेस में, नॉट ऑल, कुछ केसेस में हेपेटाइटिस के साथ उसको लीफ एक्सट्रैक्ट्स को एसोसिएट किया गया है ओनली बाय अ लॉन्ग टर्म यूज। चार चार पाँच पाँच साल जो ले रहे हैं तो इतना लंबा नहीं लेना है। इट इज़ सपोज टू बी टेकन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू हैव एन इन्फ्लामेटरी डिजीज, राइट? पाँच पाँच साल नहीं लेना। एनिमल स्टडीज जो हुई विच इज एसोसिएटेड विथ सम लीजिए ओरल गैस्ट्रिक कैंसर्स के साथ में, तो उस केस में बेसिकली कोई खास, मान लीजिए रैट और माइस में स्टडी हो ओरल कैंसर में, मगर कोई भी मतलब इसके साथ एसोसिएशंस देखे गए हैं, मगर फिलहाल इसमें हम कोई पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि एलोवेरा को बहुत लंबे समय लेने से किसी प्रकार का कोई कैंसर होता है या कोई एसोसिएशन है। सो इट स्टिल नीड्स मोर रिसर्च टू से कि एलोवेरा से आगे चल के आपको कोई दिक्कत आ सकती है। टेक्निकली आई डोंट पर्सनली डोंट थिंक इट इज एनीवेयर रिस्क फॉर कैंसर ओवर, बट जस्ट सेइंग कि ऐसी एक दो स्टडीज और हैं जो इस तरीके से भी जाती हैं। ओवर यूज अगर आप कर रहे हैं खासकर एलोवेरा लेटेक्स का, तब अगर आप कोई ऐसी हार्ट की दवाई ले रहे हैं जैसे डिगोक्सिन, उस टाइप की दवाओं के साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। हार्ट की दवाई वाले पेशेंट्स थोड़े सावधान रहें। एलोवेरा जेल फॉर्म में आता है, लेटेक्स फॉर्म में आता है, और वो प्रेगनेंसी के दौरान आप अनसेफ मान सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इसे मना किया जाता है, ये रिकमेंडेशन है। क्यों ये नहीं बताया गया? सो जब रिकमेंडेशंस में मना कर रहे हैं तो मत लो। कीप इन माइंड कि आपकी हेल्थ सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से नहीं ठीक होने वाली। हेल्दी अप्रोच अपने डाइट में रखिए, अपने लाइफस्टाइल में रखिए, सही एक्सरसाइज, सही बैलेंस डाइट, सही लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों से, सही सप्लीमेंट, सही टाइम पर आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। बिल्कुल ऐसे नेचर के अंदर हजारों बहुत ही मान लीजिए चमत्कारी पौधे, प्लांट, हर्ब्स, एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनके इस्तेमाल से आपके शरीर में आई गई प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, मगर अगर चेक्ड यूज अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। याद रखिए नमक और शक्कर जैसी साधारण चीज़ों के भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो वाई नॉट दिस? एवरीथिंग कैन हैव साइड इफेक्ट्स इफ यूज अनचेक्ड और एट एन एक्सेस अमाउंट। सो इसी उद्देश्य से हम ये वीडियोस बनाते हैं कि भी ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए फ़ायदे और नुकसान। सो अगर आपके शरीर में कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, आपके आपके स्किन में कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, आप उस केस में एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल उसमें फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोगों को उससे एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को केवल एलोवेरा से एलर्जी होती, कुछ प्रिपरेशन, कुछ कंपनी की जेल से एलर्जी होगी, कुछ अलग कंपनी के नहीं होगी। सो इट्स अ वेरी वेरिएबल वर्ल्ड एंड द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू एन इनसाइट ऑन दिस प्रोडक्ट। सो
थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको लगता है कि एलोवेरा के बारे में आपकी नॉलेज इस वीडियो से बढ़ी है सो बिल्कुल इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाएं। ऑलराइट, रेफरेंस मैं नीचे भेज दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।